राष्ट्रीय कार्यक्रम हर घर तिरंगा अंतर्गत दीव जिलानी चारे पंचायत में खास ग्राम्य सभा नु आयोजन करवामां आव्युं। हर घर तिरंगा कार्यक्रम अंतर्गत दीवनी चार पंचायतों में खास ग्राम सभा नु आयोजन करवामां आव्युं हतुं। आ खास ग्राम सभा में संबंधित नोडल ऑफिसरो द्वारा हर घर तिरंगा कार्यक्रम की विधिवत जानकारी आपवामां आवी हती अने लोकोने जागृत कराया हता। आ कार्यक्रम में दीवना नायब कलेक्टर अने अधिक जिला मेजिस्ट्रेट डॉक्टर विवेक कुमारे झूलावाड़ी पंचायत में कार्यक्रम की कार्ययोजना पर प्रकाश पाड्यो हतो, जेमां हर घर खाते तिरंगा कार्यक्रम सफल अमलीकरण विषे माहिती आपवामां आवी हती अने ग्रामजनों ने जागृत कर्या हता। तेवी ज रीते मामलतदार धर्मेश दामणियाए साउदवाड़ी ग्राम पंचायत में SDPO मनस्वी जैने वणाकबारा ग्राम पंचायत अने वीज विभाग मददनीश इजनेर परेश पटेल कूचरवाड़ा ग्राम पंचायत में आयोजित ग्राम सभा में ग्रामजनों साथे कार्यक्रम की योजना शेर करी हती। आ विशेष ग्राम सभा आयोजन करने मुख्य उद्देश्य हर घर तिरंगा कार्यक्रम हेठ महत्तम नागरिकों की सहभागिता सुनिश्चित करने है, जेथी करीने तमाम नागरिकों राष्ट्रीय स्वाभिमानना प्रतीक एवा कार्यक्रम में उत्साहपूर्वक भाग ले अने 13-15 ऑगस्ट सुधी पोतपोताना विस्तार में कार्य करी शके। घरों पर राष्ट्रध्वज लगावो तेमज तमाम नागरिकोए सुनिश्चित करशे के 3 दिवस सुधी राष्ट्रध्वज नीचा न थाय अने आ ध्वजने पूरा सन्मान साथे उठावामां आवे। उल्लेखनीय छे कि घर घर तिरंगा कार्यक्रम अंतर्गत जागृति फैलावा माटे अगाउ पण जनप्रतिनिधिओ अने शाळाना बाळको साथे प्रभात फेरी अने रात्रि चौपालनु पण आयोजन करवामां आव्युं हतुं। मीनाक्षी गढ़वी ZSTV दीव। मारुं नाम अमृताबेन अमृतल बामणिया जिला पंचायत प्रेसिडेंट दीव। अमे हर घर तिरंगा आजादी का अमृत महोत्सव निमित्ते एक अभियान चलावेलू छे, हर घर तिरंगा घर घर तिरंगा। तो आना माटे अमे दरेक ग्राम पंचायत में सवारनी प्रभात फेरीनु आयोजन करेलू हतुं, रात्रि चौपालनु आयोजन करेलू हतुं, लोकोने जागृत करवा माटे अने लोकोने समझावा माटे। ने એમાં અમે ગ્રામસભા રાખેલી હતી, એક એક વાર ગ્રામસભા થઈ ગઈ અને આજે તારીખ 5-8-2022 ખાસ વિશેષ ગ્રામસભાનું ચારો પંચાયતમાં વણાકબારા સાઉદવાડી બુચરવાડા અને ઝોલાવાડીમાં વિશેષ ગ્રામસભા રાખેલ છે, લોકોને સમજણ અને જાગૃત કરવા માટે કે તિરંગાનું મહત્વ શું છે। તિરંગાનું મહત્વ આપણા માટે ખાસ છે, આપણા માટે ગૌરવ લેવા જેવી વાત છે। તિરંગો એ આપણી આન બાન અને શાન છે। તિરંગાનું અપમાન ન થાય એનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે। તિરંગો નમેલો ના હોવો જોઈએ, કોઈના પગમાં ન આવવો જોઈએ, એ માટે અમે વિશેષ કાર્યક્રમનું આયોજન કરેલું છે લોકોને સમજાવવા માટે જ, અને લોકો અમને સહકાર પણ આપી રહેલા છે।